स्कूल जिन्हें हम शिक्षा का मंदिर भी कहते हैं, लेकिन अब ये शिक्षा का मंदिर व्यवसाय का मंदिर बनते जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में जबलपुर, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, सिर्फ जबलपुर के 1,000 से अधिक निजी स्कूलों ने 240 करोड़ से अधिक की गलत फीस वसूली अपने छात्रों से की। अब ये पूरा मामला क्या है, हम उसे विस्तार से बताते हैं। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी करे कि वे सभी अपने जिलों में स्कूलों की जांच करें और स्कूलों की मनमानी को रोकें। मामला बढ़ा, जिसके बाद जबलपुर कलेक्टर ने अपने जिले के सभी निजी स्कूलों की जांच के आदेश दिए। इस जांच में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा अधिकारी सबने मिलकर 1,000 से अधिक स्कूलों की जांच करी। इसमें ही निकल के आया कि जबलपुर जिले के जो बड़े 11 स्कूल थे, उन्होंने सिर्फ सिर्फ उन बड़े स्कूलों 11 स्कूलों ने 80 करोड़ से अधिक की अनियमित फीस वसूली करी अपनी करीबन 22,000 से अधिक छात्रों से। ये पूरी जांच करीब 50 दिन चली, जिस पर कलेक्टर और एसपी ने लगातार जिले की जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। अकेले एफआईआर सिर्फ स्कूलों पर नहीं हुई, इसमें 16 प्राइवेट पब्लिशर्स और 6 बुक सेंटर्स पर भी जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई। कलेक्टर की इस जांच में कई रोचक तथ्य भी सामने आए कि कैसे निजी स्कूल कमीशनखोरी के नए नए हथकंडे अपनाते हैं। इसमें सबसे आम हथकंडा है, आप अपने बच्चों की किताबों का वजन बढ़ा दीजिए, और यही कुछ स्कूलों ने भी किया। हर स्कूल की एक निर्धारित बैग की वजन की संख्या है, लेकिन स्कूल ओनर्स ने अपनी मनमानी के चलते और अपने कमीशन खोरी के चलते हर बच्चे के बस्ते का वजन लगभग लगभग 20% से अधिक बढ़ा दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि इन 11 स्कूलों, सिर्फ इन 11 स्कूलों ने मिलके 4 करोड़ से अधिक की कमीशन खोरी स्कूली बच्चों से वसूली। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ जबलपुर जिले में 240 करोड़ की अनियमित फीस वसूली हुई है, तो बाकी प्रदेश के बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी? कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये खबर सब जगह प्रसारित हुई, तो अन्य जिलों के ग्रुपों में भी ये बात चलने लगी कि हमारे यहाँ प्रशासन कब ऐसी कार्रवाई करेगा और अभिभावकों को उनका असली न्याय दिलाएगा।